जो गदर का दूसरा पार्ट आया है ना, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब क्या करें, 14 अगस्त का क्या होगा? आप सनी देओल ने हम सबको मारा, आप कह रहे हैं माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह तो मैंने इनकी बात पे कहा था, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम इंडिया से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम लड़ाई करें, ये कुछ करें, हम मोहब्बत करना चाहते हैं, हम दोनों मुल्कों में मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन ये जो सनी देओल ने जो मूवी बनाई है ना, इससे हमारा दिल दुखा है। सर्च करो हु विजिटेड मोस्ट पोर्न साइट, पोर्न साइट देखने में नंबर वन कौन है पता चल जाएगा, पाकिस्तान। देखें एक ना एक दिन सबने मरना है, कोई मरना है बेशक, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, कैमरा मैन ने भी मरना है, जिसने भेजा वो वापसी भी तो लेगा ना, सनी देओल ने भी मरना है, सबको ही मरना है, हो गया दूध का दूल्हा थोड़ी है कोई। सनी बहुत शार्प माइंड है, और हो सकता है कि पाकिस्तानी सनी देओल पे जो है मोबाइल चोरी का इल्जाम भी लगा दे। हाँ बोलेंगे भाई ये लेडीज का दुपट्टा छीन के भाग रहा था, वो परस में हाथ डाल रहा ही है। एक और डायलॉग सनी देओल ने बोला है, जरा गौर से सुनना है इसको, सही है कोई बात। और हालात हो गए खराब, मुझे छोड़ दो अपनी जान बचा, और बात सुन इंट्रो ले। मैं कहना चाह रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान में सनी पाजी आ गए हैं, और पाकिस्तान में हर चीज़ तहस नहस हो गई है। बेटा आगे जाओ, सनी पाजी मार देंगे आपको भी, सर पे मारेंगे तुम्हारे, मर जाओगे। और कुछ नहीं पता, मुझे भी इस वक्त सनी पाजी सर पे हथौड़ा मार सकते हैं, ये जो मेरी जान है कुछ नहीं पता कब तक सांसें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सनी पाजी जो गदर 2 में पाकिस्तान आए हैं, उनके आने के बाद हर चीज़ तहस नहस हो गई है, कुछ नहीं पता कब कौन मर जाए। इसीलिए आप लोग वीडियो ज़रूर लाजिम देखिएगा, सनी पाजी आगा तू निकल वहाँ से। सबसे पहले देखो ट्रेलर, ये आई है गदर मूवी, सनी पाजी ने उसमें अकेले आए पाकिस्तान चल कर आए, सही है, और आके तहस नहस कर दिया है। अब तुम जरा देखो ये, बताओ कैसी लग रही है। यह थोड़ा मारा, हमारी गाड़ी उड़ गई, पाकिस्तानियों की उड़ी है, एक हथौड़े से इसने हमारी अलग कर दी पाकिस्तानी। भाई 2.5 किलो का हाथ है ना, इसके लिए मैंने अभी एक ही चीज दी है, तू आ जा यहाँ पे, ये देख ये तेरे लिए लेके घूमना, ये फिट करी। ये तो फिल्मों में दिखा रहा है, ये जरा यहाँ आए तो फिर हम इसको बताएं, यहाँ का पाकिस्तानी बच्चा कितना बहादुर है, इनको तो फिल्मों के पैसे मिलने हैं, बिला भैया का हेट कर रहे हैं हम लोग। आसानी से ये आ भी गया, किसी को पता भी नहीं तो चला, या ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, ये जैसे क्यों आया और क्यों चला गया वापसी, ये आया कैसे कैसे आया होगा यार, ये तो हुकूमत लाई होगी ना, और कौन लाएगा, हम तुम थोड़ी ला सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि हुकूमत लेकर आई है सनी देओल को, और क्या और कौन लाएगा, एक मरतबा सनी देओल को बुला तो लो, हमें छोड़ दो अकेले, 2.5 किलो 3 किलो के हाथ उसके बराबर हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखे नो कर गया, सबको मार दिया सिर्फ एक हथौड़े से, एक हथौड़े से भाई, सिर्फ एक भाई को लिया सबको मार देगा वो, सिर्फ एक भाई को लिया सबको मार देगा वो एक ही दफा में। भाई कौन भाई, तो आप समझदार हो बाकी कौन भाई, नाम लेने से दुनिया कांपती है। सिर्फ सनी देओल अकेला पूरा पाकिस्तान तबाह कर रहा है जी, तो क्या ये सच है, ये एक इंसान आके हम सबको मार के जा सकता है? ये असल में बिल्ली के ख्वाब में छिछले अक्सर सुना होगा, ये एक मुहावरा मशहूर है। ये आगे पहले गाड़ी तबाह करी, कर दे तबाह कर ले आराम, हमारे हुक्मरान ने मुख तबाह कर दिया, तू गाड़ियां तबाह कर तू गाड़ियां तबाह कर, इसको बुला लो, इसको पाकिस्तान बुला लो। अबे 12 लाख 12.5 लाख यहाँ से जो है ना छोड़ के भाग गए पाकिस्तान, तू पाकिस्तान आएगा, तू पाकिस्तान आ, तेरे से पानी के गैलन उठवाएंगे हम, ये बड़े बरमे अरमे उखाड़ दे ना, इससे रोजाना उठवाएंगे पानी के गैलन, फिर देखेंगे इसमें कितनी जान है, गैस का सिलेंडर उठवाएंगे इससे। पाकिस्तान में मैं सच्ची बात बताऊँ, दिल से बताऊँ, मैं क्या बल्कि कोई भी खुश नहीं है, मैं रोजाना लोगों से मिलता हूँ, हम सभी मिलते हैं, आप माशाल्लाह एंकर हैं, आपको पता होगा इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के, कोई भी पाकिस्तानी खुश नहीं है। अगर मैं यहाँ 10 लोग खड़े हैं इनसे राय लूँ ना कि आप पाकिस्तान से बाहर निकलना पसंद करेंगे, तो मैं अगर टिकट दे दूँ ना, यकीन करो ये वीज़े को भी नहीं देखेंगे कि क्या चीज़ होती है, और बस उड़ पड़ेंगे पाकिस्तान से। ज़रा पूछिएगा आप पाकिस्तान से, जो अगर मैं आपको दुबई का वीज़ा दूँ और टिकट दिलाऊँ और एक छोटी सी जॉब अगर मैं आपको दिला दूँ, तो आप यहाँ से जाना पसंद करोगे? मैं तो कभी बिल्कुल नहीं जाऊँ अपना पाकिस्तान छोड़ के भाई, क्योंकि हम क्यों जाएँ, एक मुल्क में हम जब पैदा हुए हैं तो दूसरे मुल्क के हम ख्वाब क्यों देखेंगे, आप बताओ मेरे को, क्या वहाँ हम दूसरे की गुलामी करने जाएंगे दूसरे मुल्क में, क्या हमारे मुल्क में क्या रोजगार नहीं है भाई, निकलेंगे तो मिलेगा ना, महाजिर तो एक दूसरे की काट में लगा तो कैसे आगे बढ़ेगा, आप बताओ मेरे को यार,
हम तो यही बोलेंगे मैं बहुत खुश हूँ पाकिस्तान में। ये ना ये सिर्फ वतन की मोहब्बत है, इस मिट्टी से प्यार है। मैं भी अगर मैं क्या, मेरे साथ बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस मुल्क में रुके हुए हैं ना, सिर्फ इस वतन से मोहब्बत है क्योंकि कुर्बानियाँ दी हैं बुजुर्गों ने ना। लड़की लेने आया था यहाँ पे। अच्छा, गदर टू मारा है। कौन सा चैनल है? सलमान से। सलमान से? अच्छा, सलमान से तो मैंने देखा नहीं अभी तक। पहले तो आपको पता है गदर वन में क्या हुआ था, पता है ना क्या हुआ था? पाकिस्तान के अगेंस्ट थी वो टोटली, पाकिस्तान के अगेंस्ट थी टोटली। एक लड़की थी पाकिस्तानी, उससे वो प्यार करता था, उसके लिए यहाँ पर आ गया था। आप उसके बेटे को प्यार हो गया और पाकिस्तानी लड़की से, क्योंकि हमारे पास की लड़कियाँ गोरी गोरी हैं। नहीं बात तो है, यहाँ गोरी गोरी हैं, लेकिन हमारे शोएब मलिक भी काली लेकर आए, सानिया मिर्ज़ा। नहीं, सानिया मिर्ज़ा में एक ब्यूटी है माशाल्लाह से। मतलब हम तो वैसे कहेंगे कॉन्टेक्ट में, वो वाइट है हमारे यहाँ की, तो वहाँ जरा सांवले को हम कह सकते हैं ब्लैक। नहीं, इंडिया की वैसे ब्यूटी अलग है लड़कियों की, देखा जाए तो। आप उसको देखें अभी, तमन्ना भाटिया को जिसने डांस किया उस पर, आउआ वालिया। आप पीछे हो जाओ, इन लोगों को यहाँ बुला लो, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ यूँ जा रहे हैं, वो लोग चांद पे जा रहे हैं, हम लोग बाजा बजा रहे हैं। तो भाई ऐसा मत करो, जाहिर सी बात है ये तो हिंदू मुसलमान में फसाद फैलाने वाली बात है ये। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोहब्बतों को नफरतों में मत बांटो। हाँ, नफरत नहीं बांटो भाई, जैसे वहाँ भी हमारे मुस्लिम कंट्री है, जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं है, यहाँ भी मुसलमान है। और यहाँ से बड़ा तो भाई उत्तर प्रदेश जितना मुल्क बड़ा है कि वहाँ अगर अक्सरियत देखी जाए तो मुसलमान तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में है। मतलब ऐसी मूवीज़ नहीं बननी चाहिए, ऐसी मूवीज़ नहीं बननी चाहिए। कि सनी देओल को हमने कितना प्यार दिया था जब करतारपुर कॉरिडोर खोला गया इमरान खान साहब ने, सनी देओल आया था पाकिस्तान? आए थे, बिल्कुल आए थे, जाहिर सी बात है इनको, जाहिर सी बात है खुश आमदेद किया अपने मुल्क के अंदर बुला के इनको। देखो ना इनके जो गुरुद्वारा है इसके अंदर, देखो अभी भी देखो सिख जो है याद जो है वो अभी भी आते हैं। वाघा बॉर्डर, अरे वाघा बॉर्डर आ गया। वारिस को भी तो लाओ, ये रक्षा वाला खड़ा हो मोटा, किधर गया? अरे ये क्या करेगा अभी, सनी देओल को देखें। अच्छा अभी आप देखें, उनको यहाँ बुलाने का और हमको वहाँ शूट हो जाने का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी हिंदुस्तानी हो पाकिस्तान आ जाए। हाँ। और हम लोग वहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, जब हम वहाँ चले जाएंगे तो हम चांद पे चले जाएंगे, उनके हाथों में बाजा दे देंगे, वो पो 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 बाजे बजाते रहेंगे, हम चांद पे पहुंच जाएंगे, टेस्ला भी मिल जाएगी हमें। भाई टेस्ला चल रही है ना वहाँ, टेस्ला वो अपन उनको देंगे चाइना की 70-1.5 लाख रुपए की, वो भी छिन जाएगी, हिरोंची ले जाएगा रात में उठा के। उस दिन जो उधर जो लड़की और लड़की का मां मर गया, कहाँ पर है लड़की की मां मरी है? कोई 3-4 दिन पहले की बात, एक हफ्ता पहले मरा है ना, कैसे मरा? जो उसका वो रोड टूटा हुआ था, आगे उसका कुत्ता पीछे लगा, उसके बाद उसने डर के बारे में गाड़ी गिर गया, वो बच्चा और माँ गिर गया, आगे पीछे से गाड़ी आगे चला दिया, ये बात एक आई नहीं अपने तो ना, एक कुत्ते की वजह से लड़की मर गई। लड़की लड़की की लड़का की लड़की की माँ भी और बेटी भी, दोनों माँ बेटी मर गया, ये क्या पता है, पता नहीं ये क्या नाम है जगह का, कहीं जाता हूँ मजार का उस तरफ, क्या नाम है, एमएचएनआर रोड उससे आगे मुंबई भाई उधर ही आसपास में। अगर इस वक्त आप यहाँ पे मौजूद होते और ये इंडिया से आए चलते हुए तो आप क्या करते? मेरे पास अगर वेपन वगैरह होता तो मैं इससे डट के मुकाबला करता भाई, या तो इसके पास अगर नहीं होता वेपन तो हम अपनी फाइटिंग कर लेते खुद ही सनी देओल के साथ। हाँ कर ले, ये तो भाई ये फिल्मों में एडिटिंग करके दिखा रहे हैं, 2.5 किलो का ढाई किलो का हाथ है, 2.5 किलो का हाथ। अरे ये तो झूठ बोल रहा है, जरा यहाँ आए तो ये हाथ इसके लिए बहुत बढ़िया होगा, ये मेकअप वेकअप जो करके आ रहे हैं ना, सिक्स पैक दिखा रहे हैं, सब खत्म कर दूंगा इसके मैं, भेज दो एक बार। अच्छा हाँ भाई 2.5 किलो का हाथ है ना, इसके लिए मैंने अभी एक ही चीज़ ली है, तू आ जाए यहाँ पे, ये देख ये तेरे लिए लेके घूम रहा, ये पिटकरी लगाएगा तू यहाँ पे जब आएगा ना। अभी आगे देखो, हाँ दिखाओ, ये इसने फायर मारा। ये बोल रहा है मैं कटोरा लेके घूमूंगा ताकि मुझे और फिल्मों में आगे से आगे मौका मिले बनने का, इस वजह से गिर रहा है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अब क्या करें, 14 अगस्त का क्या होगा? आप सनी देओल ने हम सबको मारा है, आप कह रहे हैं माशाल्लाह? नहीं माशाल्लाह तो मैंने इनकी बात पे कहा था, सनी देओल को भी तो मारना चाहिए, लेकिन अब किस में हिम्मत होगी बताओ, तुम में हिम्मत है तो खैर इसको बुलाओ सनी देओल को, पानी के गैलन उठवाओ, दूध की लाइनों में लगवाओ, 200 रुपए किलो आटा दिलवाओ इसको, चीनी 150 रुपए किलो दिलवाओ, ठीक है ना, सारा दिलवाओ,
और सबके हाथों में बाजे तो मार जाएंगे आईफोन। अबे भाई आईफोन लग गया। अच्छा लड़की पाकिस्तानी है। अब ये तो इनकी मोहब्बत है ना, देखो मोहब्बत ही नहीं कर रहा ये सब कुछ जो कर रहा। फिर तो चलता है, फिर नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बोले तो फिर ये मोहब्बत भी गई तेल लेने। अबे सनी देओल ये आएगा तो मारोगे ना? गुरुद्वार गुरुद्वार आया था ना बॉर्डर पे, किसने क्या करा था? हाथ बांध के सबने बिठाया उसको आराम से। आप इधर आओ, उसके बाद दोबारा आया है भाई। दोबारा आया है पाकिस्तान, क्या करके गया बताना? बताओ जरा, सब तबाह करके गया और क्या करके गया? पाकिस्तान में आके वो कितने मजे कर रहेगा भाई, यहाँ तो घूम फिर घूमते हैं फिरते हैं चले जाते हैं बिरयानी निहारी खा के। यार बिरयानी निहारी नहीं खाई हम लोगों को, मारा है। मारा भी वो खा पी के भी गए ना भाई, लेकिन अब ये क्या होगा, क्या होगा 14 अगस्त पे, क्या होगा हमारी 14 अगस्त पे बताओ? हमें सनी देओल को मारना चाहिए नहीं? एक कराची में तो इतना आदमी इतने लोगों को मार रहा है, दिन दोपहर में लौट रहा है, मोबाइल लौट रहा है, नहीं देने के बाद भी गोली मार के जा रहा है। तो ये वो सनी देओल तो कहीं और मुल्क का है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मतलब आप कह रहे हैं कि अपने लोग ही हमें मार रहे हैं, तो सनी देओल ने मार लिया तो क्या होगा? क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हो। सनी देओल ने कहा है कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा अगर दोबारा हिंदुस्तान में बसने का मौका मिला। अबे तो भाई जा रहे हैं ना वीजा, अभी खोल दो, क्या चल रहा है? वीजा खोल दो, सब जा रहे हैं। आप जाएंगे? मैं तो भाई सब वही जा रहे हैं सारे के सारे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊँ? मेरे तो अजदाद ने खून दिया इस मिट्टी को, 10-11 लाख कटे फिर जाके बना है। पाकिस्तानी बहुत शार्प माइंड है, और हो सकता है कि पाकिस्तानी सनी देओल पे जो है मोबाइल चोरी का इल्जाम भी लगा दे। हम बोलेंगे भाई ये लेडीज का दुपट्टा छीन के भाग रहा था, वो परस में हाथ डाल रही है, ये कौन सा एक्टर है जो यहाँ पे आके स्नेचिंग करेगा? ये एक बार आ तो जाए हमारे सामने, जब फिर दिखाएंगे इसको। एक ऐसी मूवीज जो बना लेते हैं सनी देओल साहब, ये क्यों बनाते हैं? मतलब इतनी भी अंधी नहीं लगी थी यार, एक बंदा आके सबको मार के चलेगी। अब ये क्या बोले हम के बारे में, हम तो अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। मतलब देखो पाकिस्तान में अगर इस तरह से कोई आ जाएगा ना तो वो एजेंट ही होगा, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान काम नहीं है ना। ये सनी देओल को सकून क्या, बच्चे ना बिगड़े इससे मारे। अच्छा बच्चे ना बिगड़े, इस वजह से आपने टीवी नहीं लिया? टीवी नहीं लिया मैंने। तो बच्चे मोबाइल में देख रहे होंगे? मोबाइल ही नहीं है ना, ये है मोबाइल मेरे पास, ये देखो। और बच्चों के पास नहीं है? कुछ भी नहीं है बच्चों के पास, खाली पड़ रहे हैं बस वो। बच्चे कितने साल के? बच्चे 15 साल का है, 12 साल की बच्ची है। 15 साल का बच्चा 12, बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं माशाल्लाह से। मैं कहता हूँ हर पाकिस्तान के माँ बाप को ऐसा होना चाहिए। नहीं दिलाया ना माशाल्लाह, बहुत जिद करते ना कि मैं उनको टीवी भी नहीं दिलाता। अभी सीमा इधर गई भी थी। हाँ अपनी सीमा हमारी गई है भी वहाँ पे। सीमा गई भी थी हमारी, क्या किया उसका, कितना प्यार दे रही है वहाँ पे। अरे वो पाकिस्तान तो आ जाए जरा, उसको आने दो पाकिस्तान, सीमा को। ओ क्या करेंगे, अरे पूरी आवाम मारेगी, कार में बैठी हुई सीमा के तो भाई कार में। सीमा ने ये तो कह दिया है मैं पाकिस्तान गई तो मुझे मार देंगे, तो वाकई में मरेगी। माशाल्लाह से ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है, और खुदा ना खास्ता कल को अगर आप मरते भी हैं ना तो आप बच्चों की तरबियत ऐसी करके जा रहे हैं कि दुआएं देंगे आप। देखें एक ना एक दिन सबने मरना है, कोई मरना है बेशक, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, कैमरा मैन ने भी मरना है, जिसने भेजा वो वापसी भी तो लेगा ना, सनी देओल ने भी मरना है, सबको ही मरना है। हो क्या दूध का दूल्हा थोड़ी है कोई। लेकिन आपकी तरबियत पे भाई मेरा बहुत दिल खुश हुआ है, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे मरने के बाद। वो यहाँ आके तो दिखाते थे, हम बताएंगे उसको। सनी देओल, सनी देओल सिर्फ मूवी की हद तक ही जो है ना ये कर रहा है काम। वो भी चूतिया बन गई है, गाली नहीं है, अभी फैमिलियाँ बैठ के देखती हैं, लड़कियाँ वगैरह है ना तो वो बैठ के हमारा शो देखती हैं सब, तो आपकी गाली जाएगी ना तो ज़रा सॉरी कर लें। वहाँ रक्षे का शोर आ गया था, सही से सॉरी कर लें, एक मिनट सही से सॉरी भाई। मतलब आप ऐसे घर के हैं नहीं, लेकिन गाली मुझसे निकल गई। हाँ बस क्या करें, गुस्सा आता है ना बस। सनी देओल ने काम ही ऐसा किया, बस क्या कर सकते हैं। ये आपका बेटा है? नहीं आपका नहीं है। चले क्या, चोर हैं आप? शॉप मेरी दर्जी। अच्छा शॉप है आपकी दर्जी, चले सही है सही, ख्याल रखिएगा अपना। नहीं तो लेकिन यार हैं तो नंबर वन ना पाकिस्तानी इस चीज में, पाकिस्तानी यार नंबर वन है। हमने सोचा नहीं आज तक, बस हमने सुना है। सर्च करो हु विजिटेड मोस्ट पोर्न साइट, पोर्न साइट देखने में नंबर वन कौन है पता चल जाएगा, पाकिस्तान है। सीरिया देख लो, मिस्र मिस्री है, मिस्री देखते हैं अभी नंबर। यार गूगल करें ना यार, सर्च करें, सेकंड नंबर पे आ गया भाई। यार इधर भी एक नंबर नहीं छोड़ा तुम लोगों ने, कहीं तो एक नंबर रहने देते हमें। कुछ कहना चाहते हैं सनी बाजी को? सनी बाजी को मैं एक ही बात बोलूंगा, मैं भी भाई आर्मी का शौक रखता हूँ जाने का, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं होंगी तो मैं इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा, बॉर्डर पे खड़ा हूँ,
ये बार्डर क्रॉस ही नहीं करने दूंगा भाई, यही बोलूंगा मैं आपको। आप आगे नहीं कुछ और सोच लेना कि मतलब आने देंगे तुम रिश्वत दोगे, ऐसा कुछ सीन नहीं होगा यहाँ पे। ख्याल रखना बाकी हमसे बच लेना तुम थोड़ा। दोबारा ऐसा नहीं करो, हम लोग सब एक हैं, जाहिर सी बात है। आप हिंदू मुस्लिम ये फसाद फैला रहे हो, ये तो मोदी साहब को सोचना चाहिए ना। मतलब ये फसाद हटा के मोहब्बतें बांटनी चाहिए। मोहब्बतें बांटनी चाहिए, जाहिर सी बात है। हमारा जो पाकिस्तान है वो जाहिर सी बात है अमन का पैगाम देता है पूरे वर्ल्ड को। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो भाई यहाँ पे हर कौम के लोग मिलेंगे आपको। कैसा लगा ये ट्रेलर देखने के बाद आप? यार अभी तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के बारे में इसने बहुत गलत करा है, दिखाया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम इंडिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम लड़ाई करें, ये कुछ करें, हम मोहब्बत करना चाहते हैं। हम दोनों मुल्कों में मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। लेकिन ये जो सनी देओल ने जो मूवी बनाई है ना, इससे हमारा दिल दुखा है भाई। ये गलत किया है यार। तुम हमारे पाकिस्तान में आओ, लोग तुम्हारे को यार इतने दिलो मोहब्बत से प्यार करते हैं। सारे एक्टर, सलमान खान होगा, शाहरुख खान होगा, सबको हम हमारे जितने भी सारे भाई हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज भी बसों में और रक्षों में सबसे पहले कुमार सानू चलता है। हाँ ऐसा ही है भाई, ये बात सच है। सच है बिल्कुल सच है भाई। कुमार सानू हर रक्षे के अंदर चलता है, हर बस के अंदर चलता है। तभी तो वो भी तो बता रहे भाई मोहब्बत है हमें तुम्हारे से, लेकिन तुम ऐसी नफरत तो नहीं करो ना यार। बाकी सनी देओल ने सही नहीं किया यार, हमारा दिल दुखा है। आज रात में सब मिला के एक पैक बना के पीना है, क्योंकि यहाँ तकलीफ हुई है। इनकी अपनी अगर घर की आप हालात पूछें तो माशाल्लाह ये आपको बताएंगे कि क्या एक इनको कितने पैसे यहाँ मिलते हैं, इनके घर में जो है राशन कैसे चलता है, गुजारा कैसे चलता है। तो ये अंदर से जो है ना, अंदर से आग भगोला है ये सब लोग, लेकिन ये वतन की मट्टी की मोहब्बत है कि मैं क्यों छोड़ के जाऊँ और ये और वो। सही कह रहे क्या भाई, देखो हम दूसरे मुल्क जाएंगे, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा बड़ी होगी, तो इंसान के उतने ज़्यादा फिर ख्वाब पूरे होंगे, फिर वो उनको पूरा करेगा। भाई जितनी सैलरी मिल रही है ना, उस हिसाब से यहाँ पे बहुत है। अब ज़्यादा खर्चे होंगे तो फिर ज़्यादा सैलरी। क्या सैलरी है तुम्हारी? सच सच बता। यहाँ पे सैलरी भाई मैं सिर्फ यहाँ पार्ट टाइम में आता हूँ, बाकी एजुकेशन करता हूँ मैं माशाल्लाह से, सिर्फ अपने पढ़ाई स्टडी का खर्चा निकाल रहा हूँ। मेरे को यहाँ 15,000 रुपये मिलते हैं और 50 रुपये रोज़ मिलते हैं भाई माशाल्लाह से। और मैं खुश हूँ इनके अंदर, हर मेरी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, सब कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, हर चीज़ का शौक पूरा हो रहा है। तुम तो खुश है, बहुत खुश है। अगर ये खुश हैं तो अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। तो माशाल्लाह इस तरह से गुजारा अगर इनका चलता है, 50 रुपये रोज़ मिलते हैं, यहाँ से अगर ये घर भी जाते होंगे तो 25 जाने के होंगे, सुबह आते होंगे 25 आने के, तो अगर इनका बराबर हो जाता है और दिन भर ये हवा खाते हैं तो ठीक है, खुश रहें, हवा खाते रहें, माशाल्लाह ज़िंदगी गुजरती रहेगी, बूढ़े हो जाएंगे और बच्चे भी इनको दुआएं देंगे कि हमारा बाप हमारे लिए इतनी हवाएं खा कर गया है कि आज हम भी जो है ना हवा ही खाने काबिल हैं।